देखो मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, सो नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग एंड अपना कर्म कर सकते हैं हम, कर्म पे यू नो फोकस करो, फल की चिंता मत करो, फिर तो डिसअपॉइंट होगा इंसान, दिल टूटेगा, कुछ ना कुछ कमी यू नो कहीं ना कहीं रह जाएगी. सो हमने कर्म, मैंने और दिशा ने एंड द एंटायर टीम हैज यू नो वर्क सो हार्ड इन द एंटायर वीडियो. आई थिंक दैट इज वॉट मैटर्स द मोस्ट टू अस, कि किसी ने वहाँ पे कमी नहीं छोड़ी. सो उसके बाद फल तो जो भी है वो कोई दिक्कत नहीं है, होते रहेगा, जो फल है वो मिलते रहेगा, जब भी मिलना होगा, हर एक चीज़ का कोई ड्यू टाइम होता है उसको, तभी फल मिलता है उस चीज़ का एंड वो मिल जाएगा. सो देयर इज नो एक्सपेक्टेशन व्हेनेवर, आई डोंट थिंक सो यार, बिकॉज़ क्या जरूरत है ना, मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ, अब जो मिलना है जो नहीं मिलना वो ऊपर वाले के हाथ में है, तो मैं एक्सपेक्ट करके क्या करूँगा, मतलब मैं लड़ते रहूँगा या मरते रहूँगा या कुछ करते रहूँगा, शायद मिल जाए शायद ना मिले कभी, तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का, है ना, दिल दुखेगा या नहीं दुखेगा, ज़्यादा भी खुश हो जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा. तो ठीक है, जो अपना कर्म कर दिया उसमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलनी चाहिए. बट ये सीख जो है जो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये कब आई, स्लोली आफ्टर फेथ, यू नो. आई थिंक या बहुत कुछ देख देख के, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर करके आई है एंड या आई थिंक ऑडियंस का प्यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक्सपेक्टेशन तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, मतलब जो मैं हूँ उसको, मतलब मेरे जैसे लोगों को, तो व्हेन आई डू समथिंग तो ऑटोमेटिक एक्सपेक्टेशन आ जाती है. आई मीन ऐसे कोई सोचता नहीं कि यू नो एक्सपेक्ट करना है या समथिंग, और आई थिंक एक्सपेक्टेशन नहीं हो तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ एनी थिंग. तो एक्सपेक्टेशन तो आई थिंक रखनी चाहिए. हाँ, इसका पॉइंट ऑफ व्यू भी इज़ राइट दैट यू नो व्हेन यू डू योर बेस्ट तो एक्सपेक्टेशन मत रखो, वो कभी ना कभी मिल ही जाता है लाइफ में. आई ऑल्सो स्ट्रांगली अग्री, बट द थिंग इज दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, एक्चुअली आई एम एक्सपेक्टिंग सम लव टू फॉर दिस सॉन्ग. हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ सर्टेनिटी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी कह लो, बट ये है कि अगर किसी की दिल से चाह है ना कुछ करने की, तो उसके अंदर अगर पैशन है तो वो कुछ कर ही लेगा. ऐसे बहुत लोग जो आते हैं जो चले जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो आते हैं जो रुकते हैं और वो बन जाते हैं. कोई ऐसा नाम नहीं होगा जो बोले कि यार मैं तो आगे चला गया था लेकिन मैं आज सुपरस्टार बन गया. वैसा कोई भी सुपरस्टार नहीं है जो बोले कि यार मैं तो आगे चला गया था लेकिन मैंने हार मान ली, मैं घर चला गया था लेकिन आज मैं सुपरस्टार हूँ. हर एक इंसान आया, उसने हार भी देखी, जीत भी देखी, वो ज़मीन पे भी गिरा, लेटा भी होगा, शायद सड़क पे सोया भी होगा, और उसके बाद वो जीत ही गया फिर, क्योंकि उसने बोला कि मैं रुकूंगा यहाँ पे, जो भी हो जाए, चाहे नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई एम गोना स्टे एंड आई एम गोना मेक इट, आई एम गोना मेक इट. सो दैट्स, आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट, बीइंग कंसिस्टेंट, बीइंग पर्सिस्टेंट, परसीवरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट, नो मैटर इफ यू आर गुड और बैड, इफ यू आर अ गुड एक्टर, इफ यू आर अ बैड एक्टर, इफ यू आर एनीथिंग इन द वर्ल्ड, इफ यू आर कंसिस्टेंट यू विल मेक इट. एंड एक्चुअली सेल्फ बिलीफ इज ऑल्सो समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नो मैटर एट वन point, no matter what people say, no matter what everyone else is saying, you have to have the belief in your talent and yourself. Tabhi matlab jab self belief nahi hoga to fir there's no point here. You know, there are so many actors jo aaye the shuru mein, like who are superstars now. Yeah. Unko shuru mein bola tha ki you're not a good actor. Exactly. You're a bad actor. You will not be able to, you know, pursue further acting. Mein aap nahi kar paoge kuch bhi, aap ghar jao wapas. Haan. But wo bad actors are superstars hain bhai. And that's a good sign also, I to believe. You know, if they made it so big because they stayed. Yeah. They never moved. And then the entire world, the universe accepted them. मैंने कभी एक पीछे रील देखी थी धोनी जी, जो महेंद्र सिंह धोनी है हमारे, उनके बारे में कि 19 साल की उम्र में उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता था क्या? आता था ना, लेकिन वो सुपरस्टार नहीं बन पाए, वो बेस्ट क्रिकेटर नहीं बन पाए तब, क्योंकि यूनिवर्स जो है, कॉस्मोस जो है, उनको उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देनी थी और वो देखना चाहते थे कि वो क्या हैंडल कर पाएंगे उस चीज़ को. उन्होंने उसको कुछ दिया, यूनिवर्स ने उनको कुछ दिया थोड़ा सा, और फिर छोड़ दिया कि वो उनको आगे चाहिए या नहीं चाहिए, चाह है या नहीं है, पैशन है या नहीं है. एनी कैप्ट वर्किंग हार्ड, कैप्ट वर्किंग हार्ड, कैप्ट वर्किंग हार्ड, और आज वो कहाँ पहुँच गए, मतलब उनका नाम देखो, इट्स इज़ अ लेजेंड यार, मतलब इज़ अ लेजेंड. सो आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी, द हार्ड वर्क, एंड पॉजिटिविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक बीइंग पॉजिटिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड स्पेशली. ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज इट वन सिचुएशन इन योर लाइफ, बिकॉज़ यू आर आल्सो एन एक्टर, यू आर आल्सो एन एक्टर, when you really wanted to give up but then you reminded yourself no this is my dream, aap like pura nahi bhi batayenge to bhi chalega, but you know what was that moment agar aisa start. I think
एक्चुअली मेरे लिए तो जैसे मैंने बोला कि मुझे हमेशा से बनना था, तो गिव अप करने का तो मैंने नहीं सोचा. मैंने ये सोचा मैं कैसे करूँगी, देयर वर थॉट्स कि मैं कैसे करूँगी, यू नो समटाइम्स, क्योंकि हमेशा ऑप्टिमिस्टिक भी मतलब नहीं रहा जा सकता है. right. तो ये थॉट मेरे में आया था कि मैं कैसे करूँगी, मैं क्या करूँगी, बट देन गिव अप करने का मैंने कभी नहीं सोचा. मुझे पता था कि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. मुझे लगता है कि गिव अप करने का मैंने भी नहीं सोचा, बट रोज़ दिन में एक बार ऐसा ख्याल आता है कि यार कैसे होगा. हाँ. तो वो कैसे आता है ख्याल, सोचना नहीं चाहिए हमें कैसे होगा. right. और वो लेकिन एक बात है कि इमोशन को ना, हर एक इमोशन को फील करना बहुत ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए. अगर मैं रोऊंगा नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा कि मैं रोऊंगा कैसे. कल को मुझे स्क्रीन पर रोना पड़ेगा, मुझे रोना आता ही नहीं तो मैं कैसे रोऊंगा. तो मैं आज मेरे लिए रोना ज़रूरी है. अगर मुझे रोना है तो मुझे रोना पड़ेगा, अगर मुझे हंसना है तो मुझे हंसना पड़ेगा, अगर मुझे दुखी होना है तो होना पड़ेगा, उसको फील करना पड़ेगा. तो हर एक इमोशन जो मुझे यूनिवर्स दे रहा है ना, आई हैव टू फील इट ऑनेस्टली. तो मैं खुशी खुशी फील करता हूँ हर चीज़ को एंड एम्ब्रेस करता हूँ, और शायद मैं इसी वजह से एक बेटर आर्टिस्ट में ग्रो कर पा रहा हूँ. आई थिंक दैट्स गोना हेल्प मी यू नो टू ग्रो इनटू अ बेटर आर्टिस्ट. या सो दैट्स ओके. एनीथिंग विद द म्यूजिक वीडियो यू वांट टू शेयर, बिकॉज़ आई एम श्योर आपने भी जब म्यूजिक वीडियो की जर्नी शुरू की थी आपके लिए आई बिलीव एकदम फर्स्ट. एनी टिप्स विच यू शेयर, बिकॉज़ इस मामले में आप इनसे सीनियर है, एनीथिंग यू शेयर. आई थिंक I think to be in front of the camera is a big thing. That's the best thing, man. बोल के डायलॉग्स बोल के या ना बोल के, आँखों से जाहिर करना या नहीं करना या जो भी है, वही सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए. तो कि कैमरा के सामने एक बार रहो, कैमरा एक्शन बोले डायरेक्टर सर, एंड उसके बाद तो बस पूरी जान लगा दो. yeah. बस पूरी जान लगा दो फिर. मतलब देख के व्यूअर्स बोले कि यार मतलब हाँ, देर इज ऑनेस्टी इन इज आइज, देर इज इनोसेंस एंड ही इज वर्क हार्ड. सो या आई थिंक दैट्स वॉट मैटर्स टू मी. The experience was extremely good. I think इतने बड़े कैमरा के सामने दैट ऐसे कैमरा का ऐसे आना, डायरेक्टर का एक्शन बोलना, डायरेक्टर का कट बोलना, आई थिंक दैट वॉज समथिंग दैट आई ऑलवेज वॉन्टेड. और वो हुआ तो आई थिंक मतलब मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू. या लाइक आई लव बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. आप देख रहे हो मैं कितना बोल रही हूँ. अभी सॉन्ग के पर्सपेक्टिव से देखो तो हम दोनों एक दूसरे के मुखड़े पर मर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड हमें इतना पेशेंटली सुनने के लिए. इतने सारे हमने इंटरव्यूज दिए, आप सारे इंटरव्यूज देखते हैं सुनते हैं, इट मींस अ लॉट जेन्युइनली विद ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. आई जेन्युइनली वांट टू थैंक यू ऑल. थैंक यू सो मच हैशटैग प्रतीक फैम. थैंक यू सो मच. आई एम वेरी ग्रेटफुल. प्यार करते रहो, प्यार देते रहो, नेगेटिविटी हटाओ, पॉजिटिविटी लाओ. हाय गाइस, आई एम प्रतीक सहजपाल और आप मुझे देख रहे हैं ग्लिट्स विजन यूएसए.